टूरिज्म डेवलप यहाँ भी उपस्थित एक कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, भाई कवासी लखमा जी, भाई सिंधरिया जी, भाई अमरजीत जी, आदरणीय मोहन मरकाम जी, शिशुपाल सूरी जी, विनय भगत जी, गंगा बुटे जी, अंबिका मरकाम जी, गुलाब सिंह जी, जयलक्ष्मी ठाकुर जी, कमला देवी जी, डीपीएस निशाम जी, दीदी सिंह जी, सुरेंद्र जी, धनंजय जी, गिरीश जी, किरणमयी नायक जी, अरुणा सिंह जी, निशान साहब, मंच में उपस्थित अमर आदिवासी समाज के सब प्रमुख मन उपस्थित सब सियान मन, नौजवान साथी मन, लड़का मन, दीदी बहनी मन और पत्रकार संगवारी मन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाए की घोषणा की गई और तब से पूरा दुनिया के आदिवासी मन आज के दिवस में एकत्रित होते और आदिवासी दिवस मनाते। छत्तीसगढ़ में भी हर साल आदिवासी दिवस के आयोजन होते, लेकिन ये पहली साल है जो शासकीय छुट्टी के घोषणा की गई, शासकीय अवकाश के घोषणा की गई। हरेली के तक छुट्टी हुई, तीजा के तक छुट्टी हुई, अब पोरावर चुकिया तक हुई, नंदिया बैला तक और तीजा के तिहारी मंदिर करू भाग के तक व्यवस्था हुई। पहली बार तो लगा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बने, हम सबके सरकार बने, जनभावना के सम्मान करे के काम छत्तीसगढ़ सरकार करी। अरे 7-8 महीना में जिन फैसला करे वो आप सबके सामने है, या किसान मन के ऋण माफी करें, 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी करें, 12वीं तक के लड़का मन के शिक्षा मुफ्त करें, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में बहुत अकन काम करें। एक अर्थ ये नहीं कि सब काम सिराज है, बहुत अकन काम करे बाकी भी। अभी छत्तीसगढ़ के जो नारा है तेन देश और दुनिया में गुजर थे, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बारी एला बचाना है संगवारी। जब ये बात मैं अधिकारी मन लो बताए तो मलत रत्ता मारे परिस्थितान साहब देखे कि नरवा का अलग थे सर, गरवा का अलग थे, घुरवा का अलग थे, बारी का अलग थे। आज अधिकारी मन छत्तीसगढ़ी में भाषण दे से छत्तीसगढ़ी में गुठियात, ये फर्क पड़े 7 महीने सरकार में। हर आदमी लगा थे कि हमार सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार। नरवा गरवा के बाद खेतान साहब ऑस्ट्रेलिया के रही से वहां चर्चा हुई थी नरवा गरवा का अलग थे, वहां बता कहा है छत्तीसगढ़ के नरवा में का काम करना है, गरवा पर का काम करना है। अभी कलेजर से
राजेश मिश्रा हमार आईटी सेल के अध्यक्ष है, उधर बहनी गई थी चीन, चीन में जाकर बताई कि नरवा गरवा घरुआ का है, वहां का आदमी में अचंभी तो मन के थे कि छत्तीसगढ़ जरूर आप नरवा गरवा घरुआ लेके ये हमारे जीवन दर्शन है, ये हमारे किसान के मजदूर के आदिवासी के जो जीवन शैली है तेने हमना सुधार करे काम ल कर एक से न केवल हमारा अर्थव्यवस्था सुधरी, नवा रोजगार के अवसर खुली, पर्यावरण बचाए भी काम करबो, ग्लोबल वार्मिंग हो थे तेकरों से बचे के काम एक माध्यम से होई, ये बहुत बड़े काम है जो छत्तीसगढ़ सरकार हाथ उठा है और इला आम जनता के जन जन के हम बड़े कनेरा कह रहे हैं। कोंडागांव जिला में वहां बहुत जन आस पास के गांव के किसान न सकलायरी से क्योंकि बड़े कनेरा में थे फिर गौठान ल खोल दे रहा दस गौठान ल हमन पड़ोसी गांव में सर हमारे यहाँ खुली कि नहीं खुली हम बताए ये साल तो हमन लगभग 2000 की टारगेट ले चला था, इला हर गांव में करना है और ये काम सरकार के भरोसा नहीं बल्कि गांव वाला मन के भरोसा संचालित हो ये कवर की योजना आपके आप बढ़े और आप एक द्वारा संचालित होना है, ये काम हम सब ल करना है। लेकिन आदिवासी बंद जिन काम करें बोले अवसर में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज तक के पूरा हिंदुस्तान हो चाहे दुनिया में हो आदिवासी मन के केवल जमीन छीने काम हो गए, लेकिन ये पहली सरकार है आपके सरकार है जिन आदिवासी मन के जमीन ल उद्योगपति से वापस करके आदिवासी मन देख काम करे है, ये आपके सरकार है। 1700 किसान के 10 गांव के 1700 किसान के 4200 एकड़ जमीन वापस करे के काम, फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बताए व्यक्तिगत दवा समुदायिक दवा के क्षेत्र में हमन काम कर रहे थे कि जंगल यदि बचे है तो आदिवासी मन के कारण से बचे है और अगर संचालन करे काम यदि कोई कर सकते वो आदिवासी कर सकते कभी भी सामुदायिक दवा में आदिवासी मन लो जंगल देना है आज 10 आदिवासी मन के गांव में पट्टा देखा एक गांव 2000 एकड़ जमीन का पट्टा हम दे सामुदायिक दवा उनका जीवन स्तर ऊपर उठाएगा। हिंदू सबसे ज्यादा तेंदू पत्ता कीमत है छत्तीसगढ़ में 4000 रुपये प्रति मानव पूरा आज रोजगार के अवसर यहां के दिन लघु अनुपज वो बाहर जाते यहाँ के जितने भी मेडिसिनल प्लांट है चाहे बस्तर हो सरगुजा हो कोरबा हो रायगढ़ हो जसपुर हो ये सब कच्चा माल बाहर जाते है। हम कहा सर यही छत्तीसगढ़ में उपर मन उद्योग लगना चाहिए ताकि यहाँ की जितना जो लघु अनुपज संग्रहण करता है जो मतलब लाभ मिले यहाँ के नौजवान मतलब रोजगार मिले सरकार के भी व्यापार बढ़े सरकार ने भी राजस्व मिले ये दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ना चाहते। तीसरा जिन काम है छत्तीसगढ़ में भी 1,00,000 करोड़ की बजट प्रति व्यक्ति आय भी बहुत है लेकिन सबसे ज्यादा गरीब कहूं है कि छत्तीसगढ़ में 39.9% आदमी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। 5 वर्ष के बच्चा से 37.5% लड़का तेन कुपोषित है। 15 साल से 40 साल के बीच हमारे माता मन है ते मन एनीमिया से पीड़ित है खून के कमी से पीड़ित है ओकर प्रतिशत है 41.5%।
मुझे प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, यह 1,00,000 करोड़ के बजट बजट है, और वहां के लड़का मन यदि कुपोषित है, वहां के मातारी बेटी मना यदि एनीमिक है, खून की कमी है, वो लड़का मन भी कुपोषित हुई, कमजोर हुई। यदि लड़का मन कमजोर हुई, हमारे मातारी बेटी मन कमजोर हुई, तो मजबूत और स्वस्थ छत्तीसगढ़ की कल्पना नहीं किया जा सकता। और आने वाला 2 अक्टूबर के पूरा जत्का भी हमार आकांक्षी जिला है, बस्तर है, कोरबा है, महासमुंद है, राजनांदगांव है, ये सब जिला में जतेक भी एनीमिया से पीड़ित है, कुपोषित लड़का है, ये मन लग गरम स्वादिष्ट भोजन हम सब जन लग जत्का जन प्रभावित सब लग देना है मन लग, ताकि अगले 3 साल में कोई बच्चा कुपोषित न रहे, कोई मातारी कोई बेटी हमार खून की कमी से पीड़ित न रहा है। ये योजना 2 अक्टूबर से अमल लागू कर, पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गए बहुत अगन पंचायत में, बीजापुर में, दंतेवाड़ा में, सुकमा में, कोरबा में संचालित कर हम सबो जिला में, जिन हमारा आकांक्षी जिला है वो सब जिला हम शुरू कर, गुड़ और चना भी एक काम करा था। अभी आज ताजा राजनीतिक घटनाक्रम, लोकसभा में जो ऐतिहासिक बिल पारित हो, जेकर चर्चा जेकर गूंज पूरे दुनिया में हो थे, 370 हटाए गई, धारा 35L समाप्त किए गए, बहुत जानमन सोशल मीडिया में लिखा थे, अब जम्मू जाबो, कश्मीर जाबो, वहां जमीन खरीदो, प्लाट खरीदो, वहां सुंदर सुंदर नोनी मन ही ब्याह करके आबो, जमीन के ऊपर निकाह गड़े हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आदिवासी मन की जमीन भी कोई दूसर नहीं खरीद सके सिवाय आदिवासी, लेकिन पिछले सरकार एक काला कानून लाए नहीं थे कि आदिवासी जमीन आपसी समझौता तब खरीद लिया जाए, छत्तीसगढ़ के सरकार है आपके सरकार पहली बनते सबसे पहली जमीन न करें, ये काला कानून न समाप्त करें कि आदिवासी जमीन लग कोई दूसर नहीं खरीद सकता। जल जंगल जमीन से यदि हार जाएगा आदिवासी अस्तित्व समाप्त हो जाए, उग्रे वर्ष विश्व आदिवासी दिवस मना, ताकि उसका जल है, उसका जमीन है, जंगल है, उसका संस्कृति है, उसका साहित्य है, उसका रहन सहन है, खान पान, उसका परंपरा है, वो जीवित रहना चाहिए, और एक बार छत्तीसगढ़ सरकार संकल्पित है। आज जाति प्रमाण पत्र बनाने में सब लोग परेशानी होते, हम कहे जेकर पिताजी कर यदि जाति प्रमाण पत्र है तो जन्म के साथ ही वो लेकर जाति प्रमाण पत्र मिल जाना चाहिए, और आज कोना गांव वो जाति प्रमाण पत्र बांट के आए, हम दूसरे लेकर मल कोरम घर के लेकर लाए रही थे, और दोनों लेकर हम जाति प्रमाण पत्र दे देंगे। जाति प्रमाण पत्र बनाने बहुत परेशानी होते, हम आदरणीय राम पुकार सिंह जी के अध्यक्षता में कमेटी बना दें कि जाति प्रमाण पत्र बनाए में सरलीकरण होना चाहिए, जेकर कर जमीन नहीं है, जेकर पुरुषों का जमीन नहीं है, जेकर पुरुषों मन नहीं पढ़े लिखे रही से, जे मन भूमिहीन है, जाति प्रमाण पत्र बनाए में कई जन के नौकरी लग जैसे कई जन के इंजीनियरिंग अभी लेकर मन IIT में भेजा था, वो कर यदि प्रमाण पत्र नहीं दे एडमिशन नहीं हो सके, स्कॉलरशिप नहीं मिल सके, नौकरी नहीं मिल सके, हमें कहें प्रमाण ही प्रमाण पत्र सरलीकरण होना चाहिए, ये में कोई प्रकार के आदिवासी भाई हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, चाहे पिछड़े वर्ग के हो, कोई प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए, आसानी से जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। लेकिन जे मन फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना है, होकर मन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और एक बार
हमारे सचिव बैठे हैं, विभागीय सचिव, विभागीय मंत्री भी बैठे हैं। एक महीना के भीतर जतेक भी शिकायत हो परीक्षण होकर निराकरण हो जाना चाहिए, ताकि कोई छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना के न नौकरी कर सके न नेतागिरी कर सके। आप सबसे ही कहना चाहता हूं, आज अभी कवासी लखमा की भाषण देख, ओकर क्षेत्र में जगरगुंडा नाम की जगह है। पहली बार जगरगुंडा मोरे संकेरी से 2001-2 में घोर नक्सली क्षेत्र, उस समय राजस्व मंत्री रहे में उप तहसील कार्यालय के उद्घाटन करे बर गए, ओकर बाद जगरगुंडा संकेरी से आज में हाई स्कूल के लोकार्पण करके आए। 13 साल बंद रही थे, आज सुकमा जैसे जिला में यह 85 स्कूल बंद रही थे का शुरुआत हो। हमारे लड़का मन लगे इस लड़का मन आई आई टी करे MBBS करे थे। हमारे आदिवासी मंत्र कुशाग्रता के कोई कमी नहीं है, मेधा के कोई कमी नहीं है, यदि कमी है तो केवल अवसर है। वो अवसर हम छत्तीसगढ़ सरकार देना चाहते, सबसे बढ़िया शिक्षा होना चाहिए, सबसे बढ़िया स्वास्थ्य होना चाहिए, रोजगार के अवसर होना चाहिए, अधिकार के रक्षा होना चाहिए, और एक बार छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है। आप सब विश्व आदिवासी दिवस के अवसर में पूरा प्रदेश में एक जस्ट माहौल है, ये माहौल में आप सब शामिल होके अपन खुशी इजहार करें, अपन एकजुटता प्रदर्शित करें। एक बार सबो आदिवासी भाई बहनी मल्ल छात्र छात्रा मल्ल बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब अतः सुधर सुधर कार्यक्रम हो से हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम बाचे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलत रही हमारे।